हेलो दोस्तों, हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं HRTC यानी हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के 5 सबसे खतरनाक बस रूट से। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन इंडिया की सबसे पॉपुलर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स में से है, जो कि हिमालयस के ऊंचे पहाड़ों पर बसे लोगों के लिए सुगम, भरोसेमंद और सस्ती परिवहन सुविधाएं प्रदान करती है। इस सब के लिए HRTC का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। यूं तो HRTC के दर्जनों ऐसे रूट्स हैं जो कि बहुत ही खतरनाक रास्तों से होकर गुजरते हैं, फिर चाहे वो चंबा भरमौर हो या होली नयाग्रा या फिर स्पीति घाटी के रूट्स हों। हालांकि अब इन रूट्स के थोड़े ही स्ट्रेच खराब हैं, जबकि बाकी सड़कें सही हैं। स्पीति घाटी की ही बात करें तो भले ही विश्व के सबसे ऊंचाई पर बसे गांव को बस सर्विस से जोड़ने का खिताब HRTC रिकोंगपियो डिपो के पास है, पर वहां अब पक्की सड़कें बन गई हैं और उन्हें चौड़ा भी कर दिया गया है। रिकोंगपियो काजा को ही ले लो, 5 साल पहले ये रूट HRTC के मोस्ट डेंजरस बस रूट्स में काउंट होता था, लेकिन अब ये सड़क पक्की हो चुकी है और काफ़ी हद तक डबल लेन भी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन रूट्स की जिन पे ट्रैवल करना अभी भी जोखिम भरा है। ये वीडियो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पर आधारित है, क्योंकि हम HRTC के लगभग सभी ऐसे रूट्स कवर कर चुके हैं। ये रूट्स न केवल दूर दराज के गांवों को आपस में जोड़ते हैं, बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों से होकर भी गुजरते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं HRTC के टॉप 5 डेंजरस रूट्स के बारे में। हमारी रैंकिंग में 5th नंबर पर आता है दिल्ली से लेह बस रूट। दिल्ली से लेह के लिए HRTC के केलोंग डिपो द्वारा सीजनल बस चलाई जाती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से मनाली होते हुए लद्दाख की राजधानी लेह तक चलने वाला ये रूट HRTC का सबसे लंबा बस रूट भी है, जिसकी लंबाई 1026 किलोमीटर है। दोपहर 2:30 बजे दिल्ली से चलकर ये बस नेक्स्ट डे शाम को 7-8 बजे लेह पहुँचती है। दिल्ली से चलकर ये बस अगले दिन केलोंग पहुंचती है और फिर वहां इसका ओवरनाइट हाल्ट भी होता है। फिर केलोंग से अगले दिन सुबह चलकर ये बस शाम को यानी तीसरे दिन लेह पहुंचती है। इस तरह इस रूट को रोज़ चलाने के लिए HRTC को 5 बसेस, 7 ड्राइवर्स और 5 कंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। रोड की बात करें तो दिल्ली से चंडीगढ़, मनाली और आगे केलोंग होते हुए बारालाचा पास तक का रोड काफ़ी ठीक बन चुका है, लेकिन बारालाचा से आगे पांग तक रोड काफ़ी ख़राब है। इस स्ट्रेच में सड़क पर बड़े बड़े खड्डे हैं और सड़क भी कच्ची ही है। ये बस 4 हाई पासिस बारालाचाला, नकीला, लाचुंगला और तेंगलंगला से होकर गुजरती है। जो चीज़ इस रूट को सबसे ज़्यादा खतरनाक बनाती है वो है केलोंग और लेह के बीच का लंबा सफ़र और बस ख़राब होने की स्थिति में बीच में कोई मदद नहीं है। केलोंग साइड से आखिरी गांव दारचा है और लद्दाख में रूम से बीच में बस कुछ कुछ जगह टेम्प्रेरी एकोमोडेशन से मिलेंगे। खराब रोड की वजह से इन दिनों केलोंग से लेह का 14 घंटे का रास्ता यूजुअली 16 से 18 घंटों में तय होता है और इसे एक ही ड्राइवर कवर करता है, जो कि काबिले तारीफ भी है। ये रूट हर साल जून से सितंबर यानी साल के 4 महीने ही चलता है। इस रूट पर बनाई 2 डिटेल वीडियोस का लिंक ऊपर स्क्रीन पर है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। 4th नंबर पर आता है कुल्लू काजा बस रूट। ये रूट भी HRTC के केलोंग डिपो द्वारा ही चलाया जाता है और ये भी एक सीजनल सर्विस ही है। कुल्लू से काजा तक के 240 किलोमीटर के सफर में बस को करीब 12 से 14 घंटे लग जाते हैं।
ये बस कुल्लू से सुबह 4:30 बजे चलती है और काजा से वापस सुबह 5 बजे कुल्लू के लिए निकलती है। रोड कंडीशन की बात करें तो कुल्लू से ग्रामफू तक का रोड एकदम अच्छा है, मगर ग्रामफू से आगे लोसर तक का करीब 70 किलोमीटर का स्ट्रेच काफ़ी ख़राब है। काफ़ी यानी बहुत ही ख़राब। चंद्र नदी के किनारे बनी कच्ची सड़क से होते हुए बस को निकलना होता है और इसके बाद इसे 4,551 मीटर ऊंचे कुंजुम पास को भी क्रॉस करना पड़ता है। लोसर से आगे फिर काजा तक का रोड अच्छा है। बेसिकली टेरेन तो ज़्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन ऐसे पथरीले और कच्चे रास्तों से होकर बस चलाना अपने आप में बड़ी बात है। इस रूट पर बनाई हमारी डिटेल वीडियो का लिंक ऊपर स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थर्ड रैंक की। थर्ड रैंक पर है HRTC रोहडू डिपो का रोहडू से डोडरा कवार बस रूट। शिमला ज़िला के सबसे दुर्गम गांव डोडरा और कवार के लिए चलने वाला ये बस रूट भी काफ़ी ख़तरनाक रास्तों से होकर गुजरता है। रोहडू से सुबह 10:30 बजे चलकर चिड़गांव और लरोट होते हुए ये बस 3,950 मीटर ऊंचे चांशल पास को क्रॉस करके डोडरा और फिर कवार गांव तक जाती है। ये रूट है तो 102 किलोमीटर ही लंबा, पर इस जर्नी में बस को 8 से 9 घंटे लग ही जाते हैं। लरोट से आगे कवार की सड़क एकदम कच्ची है और बस में इतने हिचकोले लगते हैं कि मानो अगर साथ में दही लेकर चलो तो पहुँचते पहुँचते लस्सी बन जाए। चिड़गांव के बाद पब्बर नदी क्रॉस करके चांशल पास तक लगातार चढ़ाई है और फिर चांशल पास क्रॉस करने के बाद दूसरी तरफ रूपी नदी तक उतरना पड़ता है और नदी क्रॉस करके फिर से कवार की चढ़ाई। सड़क की हालत देखकर आप तो सोच में ही पड़ जाओगे कि यहाँ पर बसेस चलती कैसे हैं। तो ऐसा टेरेन और कच्ची सड़कें इस रूट को ख़तरनाक बनाती हैं। इस रूट पर बनाई हमारी दो डिटेल्ड वीडियोस का लिंक ऊपर स्क्रीन पर है। हमारी लिस्ट में सेकंड रैंक पर है HRTC रिकोंगपियो डिपो का रिकोंगपियो हंगो बस रूट। ये बस रूट किन्नौर जिला मुख्यालय रिकोंगपियो को जिला के ही दूरदराज के गांव हंगो से जोड़ता है। रिकोंगपियो से हांगो तक का अब वैसे तो 75% रोड ठीक है, क्योंकि रिकोंगपियो काजा रोड ऑलमोस्ट चकाचक कर दिया है, मगर लियोकेंची से डाइवर्जन लेने के बाद जो लास्ट 25% पार्ट है वो इतना ख़तरनाक है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहाँ तो वेजिटेशन भी नहीं है और पहाड़ ऐसे हैं कि मानो कभी भी भरभरा कर गिर जाएं। सड़क तो चलो जैसे तैसे बना दी, बट यहाँ बस सर्विस प्रोवाइड करना बहुत ही चुनौती भरा काम है। बाकी आप तो जानते ही हैं कि HRTC तो ऐसा है कि जहाँ सड़क बनी और बस भी शुरू कर देता है।
ये क्लिप्स देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रूट इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर क्यों है। इस रूट पर बनाई हमारी डिटेल वीडियो का लिंक भी ऊपर स्क्रीन पर है। तो आइए अब फाइनली जानते हैं HRTC के सबसे खतरनाक बस रूट के बारे में। अगर HRTC के सबसे खतरनाक बस रूट की बात करें तो इसमें आते हैं चंबा ज़िला के पांगी घाटी में चलने वाले लगभग सभी रूट्स, वो चाहे किलाड़ कुल्लू है, किलाड़ चंबा है या फिर किलाड़ के लोकल रूट्स हैं। किलाड़ कुल्लू की बात करें तो ये रूट ऐसा है कि बस में ट्रैवल करते हुए आपको हर वक्त यही डर बना रहेगा कि कहीं नदी में ना गिर जाएं। चंद्रभागा नदी सड़क के बिल्कुल नीचे नीचे बहती है और सड़क एकदम कच्ची है, बीच में उफनते नालों का तो क्या ही कहना। ऊपर से कई जगह तो ऐसी हैं कि चट्टानें बस की छत से टकराने का डर बना रहता है। साथ ही ये एरिया लैंडस्लाइड प्रोन है और लगभग हर साल ही यहाँ कई मीटर स्ट्रेच ढह जाता है। HRTC में स्टार बस मॉडल की जो बसेस हैं वो किलाड़ नहीं जा पाती क्योंकि उनकी हाइट ज़्यादा है और वो ऊपर चट्टानों से टकरा जाती हैं। इसीलिए अब HRTC केलोंग डिपो की कुछ स्टार बसेस के छत पर लगे रैक निकाल दिए हैं ताकि वो किलाड़ जा सकें। इस सड़क पर 47 सीटर बसेस और बड़े ट्रक्स नहीं जा सकते। किलाड़ के लोकल रूट्स की बात करें तो यहाँ केलोंग डिपो द्वारा करीब 30 लोकल रूट्स भी चलाए जाते हैं। यहाँ पक्की सड़कें तो है ही नहीं, इन गाँव के रास्ते इतने खतरनाक हैं कि जान हथेली पर रखकर चलना पड़ता है। सुराल, हुड़ान, करियूनी, पुंटो जैसे ऐसे कई गाँव हैं जहाँ तक जाने के लिए बसेस कैसे कैसे रास्तों से होकर गुजरती हैं, ये आप इन वीडियोज़ में देख सकते हैं। अब बात करते हैं किलाड़ चंबा बस रूट की। अगर इन सब में किसी एक रूट को टॉप पर रखना हो तो डेफिनेटली वो किलाड़ चंबा बस रूट है। ये रूट केलोंग डिपो द्वारा चलाया जाता है और 170 किलोमीटर लंबा ये बस रूट 4,500 मीटर ऊंचे साच पास से होकर गुजरता है। ये रूट पांगी घाटी के मुख्यालय किलाड़ को ज़िला मुख्यालय चंबा से जोड़ता है। Thank you.
चंबा से तीसा भंजराड़ू होते हुए बैरागढ़ तक तो रोड मेटल्ड है, पर उसके बाद सारा रोड कच्चा ही है। रोड भी ऐसा कि बस चलाने के लिए जहां अच्छे ड्राइविंग स्किल्स होना ज़रूरी है, वहीं उतनी हिम्मत भी। साच पास से किलाड़ के बीच तो इतने तंग मोड़ हैं कि 37 सीटर छोटी बस भी बड़ी मुश्किल से मुड़ पाती है, और इन कच्ची सड़कों पर बहते ये झरने इस सफ़र को रोमांचकारी पर ख़तरनाक बना देते हैं। पांगी घाटी के सारे रूट्स को हम अपनी आने वाली पांगी सीरीज़ में कवर करेंगे। HRTC के ये रूट्स जहां सबसे ख़तरनाक हैं, वहीं उतने रोमांचकारी भी। निश्चित तौर पर ट्रैवल में थोड़ा डर तो लगेगा ही, पर आपको एक बढ़िया एक्सपीरियंस भी मिलेगा। जहां ऐसे दूर दराज के गांव तक जाने के लिए खुद की गाड़ी ले जाना थोड़ा अनसेफ रहता है, क्योंकि सड़कें ऐसी हैं कि अगर गाड़ी में कोई ख़राबी आ जाए तो हेल्प भी नहीं मिलती। वहीं बसेस आपको रिलायबल और चीप ट्रैवल प्रोवाइड करवाती हैं। सोलो ट्रैवलर्स के लिए तो ये बसेस काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। अगर आपको इन बसेस के टाइम टेबल और स्केड्यूल के बारे में जानना हो तो आप हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस पर भी हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपकी नज़र में भी HRTC के ऐसे कुछ और बस रूट्स हैं तो हमें उनके बारे में ज़रूर बताएं। हम आने वाली वीडियोस में उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।